हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित द्विवेदी। इस समय बॉम्बे में हूं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एमजी की हेक्टर, यानी कि इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, एक बड़ी फुल साइज एसयूवी है, लेकिन इसमें सीटें हैं सिर्फ 5। और ये आपके कितने मतलब की है और कितना मज़ा आएगा आपको इसमें, मैं यही पूरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसको अनवील कर दिया कंपनी ने, कीमत नहीं आई है और सब कुछ आ गया है। मेरे साथ गगन चौधरी हैं। गगन भाई, सॉरी, माइक यहाँ है तो ऐसे करके बोलिएगा कि आप ऐसे ऐसे आ गया। हेलो, आपका पहला इंप्रेशन क्या है इस गाड़ी के बारे में? सर, पहला इंप्रेशन वो गाड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है। बट प्राइस जो है वो, क्योंकि हमें पता नहीं, इसको निकाल लेते हैं माइक एक बार। बिल्कुल, मैं हाथ में ले लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ थोड़ा ढीला कर दो, हाँ, इसको निकालते हैं। सॉरी, डिस्टर्ब मत होइएगा क्योंकि बात हम बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। और इसको कट नहीं करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो मेरे को गाड़ी देखो सर बहुत अच्छी लग रही है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ों पे खास तौर से ध्यान दिया गया, फिट एंड फिनिश वगैरह, सेफ्टी वगैरह, जो कि यूजुअली हम इंडिया में नहीं देखते हैं। बट प्राइस क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम जज नहीं कर सकते। हम वो बंदे हैं भाई, प्राइस देख के जज करते हैं चीज़ें। तो आपको लगता है कि कीमतें जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो 300 चेंजेस किए हैं इन्होंने लगभग इंडिया में, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है लेकिन चेंजेस 300 है इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर देखो कीमत क्या, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कीमत की, क्या रखेंगे? मुझे लगता है कि अगर ये 10 के अंडर होगी तो ज़्यादा बिकेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। वो कर नहीं सकते 10 के अंडर, तो बहुत कमाल गाड़ी है, ये कर नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है। मतलब मुझे लगता है कि 12.50 से स्टार्ट करके ये लोग इवन 17 तक भी जाए ना, 17 तो चलो ज़्यादा हो गया, 16 तक जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही कार। एक वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तुम्हें गगन? अभी तक तो मैं वो ट्राई नहीं कर पाऊँ, लेकिन जितना सुना है वो स्क्रीन टच स्क्रीन हेलो एमजी वाला, मतलब वो फील, क्योंकि क्या अच्छा, अभी मैंने एक बार हेलो एमजी बोला उसको। मैंने कहा हेलो एमजी बोल के, मैंने कहा कि भाई क्राउड बहुत है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, ब्लॉगर्स आए हुए, तो उनको हटा दे। वो थोड़ा सा इरीटेट हो रहा था, मुझे लगता है इंडिया में लोग ज़्यादा कुछ खेलने वाले हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे इस रियर सीट मुझे बड़ी अजीब लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपराइट है, क्या आप अनकम्फर्टेबल हुए? नहीं, आपने शायद इसको, कुछ सीट्स हैं थोड़ी एडजस्ट लीवर है इसको, पीछे थोड़ी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा अपराइट है, बट फिर भी है नो डाउट। एक तो रीज़न ये है, हम लोग आमतौर पर जो है बकेट सीट को थोड़ा पीछे देखते आए हैं कुछ गाड़ियों में, वो इसमें नहीं है, थोड़ी अपराइट है। बट मुझे लगता है जब गाड़ी चलेगी अच्छा, उसके बाद ही बेटर जज कर पाएंगे। अभी तक तो लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है अपराइट लग रही है। इनफैक्ट मेरे को जो है रियर क्वार्टर ग्लास जो है, क्वार्टर ग्लास क्या है, जो रियर विंडो का ग्लास है, वो भी थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था। बट जब गाड़ी ऑन रोड चलेगी तब थोड़ा ज़्यादा आएगा। एक तो क्या लाइटिंग इतनी है ना, हम वो अंदर का फील जज नहीं कर पाते ज़्यादा। तो डायमंड का कट कैसा लगा ये जो आपको? नहीं, मुझे एक्चुअल में अच्छे लगे, अच्छे लगे। हालांकि ये छोटे नहीं लग रहे आपको? नहीं, 17 इंच को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, तो ये 17 इंचेस के हैं, बट ये छोटे दिखते हैं, एक्चुअल में छोटे नहीं, 17 के हैं, 17 के ही हैं, बट ये छोटे दिख रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा सा हम ये डिज़ाइन बाकी गाड़ियों में देख चुके हैं हल्का फुल्का, तो हमें उतना वो हो गया। एक्सयूवी में अगर आप देखो सिमिलर सा लगता है, ब्रेज़ा जो नई वाली है वो सिमिलर सा लुक उठाती है। हो सकता है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा भूमिका निभाता है जब माइलेज की बात आती है, तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से इन्होंने किया है, जो थोड़ा लुक उसमें बैठा नहीं है, बट मुझे लगता है परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि इन लोगों ने राइड क्वालिटी बेहतर रखने के लिए किया है, क्योंकि 215 इसका जो विड्थ है उसके साथ में इन्होंने 60 की प्रोफाइल रखी है, जो कि मतलब 60 की प्रोफाइल रखना मतलब ये राइड क्वालिटी ज़्यादा। इन्होंने बोला F35 से प्रेरित है, तो आपको कितना लगा है? चलाने के बाद हम उड़ता है नहीं उड़ते हैं F35 की तरह। तो ये गगन थे और गगन से इनका पहला इंप्रेशन जाना, कुछ मैंने बताया, कुछ गगन ने बताया, और गगन गणिक है इनका, बहुत ये बहुत मशहूर है, सेलिब्रिटी टाइप के आदमी है। तो आप इनको देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं बहुत ही ग्राउंड धरातल पर होती है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, अंग्रेजी बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो धरातल पर रहती हैं। तो आप धरातल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, और गगन जी को भी जरा एक बार देख के आइए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। शुरू करूँ? तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसमें बैठ के दिखाता हूँ। और मैं अपना, मेरा हाइट बहुत अच्छा है, मैं 6+ हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं कैसा फील करता हूँ, ये आपको बताने वाला हूँ। पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, हालांकि ड्राइव करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अनवील किया है प्रोडक्ट को, पर आपको बताता चलूँ, सच में जो कंफर्ट है आप एंट्री करने के बाद में आपको मिलता है वो लाजवाब है। आपको ये मल्टी फंक्शन है, आपको बहुत सारे फीचर्स आपको स्टेयरिंग व्हील पर मिल जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेटर होता है सिर्फ बोलने से होता है, वो कैसे होगा मैं सीखता हूँ। मेरे साथ गगन से पूछूंगा, गगन भाई क्या करूँ मैं? हेलो एमजी, मैं बोलता हूँ, नितिन ने, सॉरी एमजी मैं बोलूंगा। दोस्तों देख सकते हैं ऐसा ही कुछ होने वाला है इंडिया में, तो मैं बोलता हूँ हेलो एमजी। हेलो एमजी, मुझे सुन नहीं रहा है क्या, आप हेल्प कर सकते हैं भाई साहब? हेलो एमजी, Could you please play my favorite music? Oh, बजा दिया भाई, गाना बजा दिया। Yes,
तो ये 10.4 इंच का स्क्रीन है और ये बहुत सारी चीज़ें कह देता है जो आप उम्मीद करते हो, सब कुछ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये आपका जो एसी वेंट दिया गया है, इसी के साथ में एसी वेंट दिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। और ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एमजी का लोगो है, बस इसमें एमजी लिखा नहीं हुआ है, इसमें आप उन्होंने स्क्रीन दे दिया है, बेसिकली ये एमजी का लोगो है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है इंडिया में ऐसी गाड़ी फिलहाल अभी नहीं है, खास करके इतने बड़े इंटरफेस के साथ जिसमें आप सब कुछ ऑपरेट कर पाते हैं। MG को प्लीज़ पसंद नहीं है, तो अगर आप बोलोगे प्लीज़ ओपन द सनरूफ, MG प्लीज़ प्ले ओपन द सनरूफ। हेलो MG, आई एम हियर, प्लीज़ ओपन द सनरूफ। कर देगी नहीं, अच्छा लगा इसे, इसने प्लीज सुन भी लिया और ओपन कर दिया सनरूफ, क्योंकि अभी एक मेरे दोस्त हैं नरेंद्र भाई, वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आज ये सब लोग इस गाड़ी में मधुमक्खी की तरह लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं। गाड़ी एक ही है लेकिन जब आपके पास जब इसका वीडियो आएगा तो आपको अलग अलग अंदाज सबका दिखेगा, जिस तो सबने महसूस किया वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरी, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल कार लग रही है, चलाया नहीं है, बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो एम जी, क्लोज द सनरूफ। Yes. अब मैं आपको बता दूं गियर लीवर, इसका गियर लीवर आप अच्छे से जो रिवर्स लगाना है वो ये नीचे दिया गया है, इसको दबा के फिर आपको करना है, तभी आपका रिवर्स शुरू होगा। और देखिए एक ये जो आपको मिल रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है इंडिया में, खास करके जब आप गाड़ी पार्क कर देते हैं सेकेंडरी स्थानों पर, तो पूरा का पूरा व्यू देता है और सारा एक बढ़िया कैमरा पीछे लगा हुआ है जो आपको सारा का सारा वो देता है। आप यहाँ पे अपना ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हैं, दो USB लगा सकते हैं और स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है, आप देख लीजिए। और ये पहली गाड़ी है इस सेगमेंट में जो, अगर प्राइस कीमत का नहीं पता है अभी कीमत क्या होगा, बट कंपनी ने बताया कि ये कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दे रहे हैं, जो कि अगर ऐसा होता है तो बहुत दिलचस्प होगा चलाने में, क्योंकि जो ये दे रहे हैं ड्राइविंग मोड दे रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी हाइट कम है और आप इस सीट पर बैठे हैं तो हो सकता है ये थोड़ा आपको, जब आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो मन करेगा थोड़ा सा नीचे हो, तो हो सकता है आपको इसी पे डिपेंड करना पड़े, आप यहाँ पे एंजॉय ना कर पाओ। अगर आपके बगल का बैठा हो पैसेंजर चाहे तो ज़रूर इसको इसका लुत्फ उठा सकता है, लेकिन जिसकी हाइट अच्छी होगी वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। इस हेक्टर का प्लेटफॉर्म ग्लोबल है लेकिन इसमें 300 से भी ज़्यादा अधिक चेंजेस किए गए हैं भारतीय कंडीशन के हिसाब से। इसके डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो आगे का डिज़ाइन है F35 से काफ़ी प्रेरित है और ये एक अलग लुक देता है, और इसमें जो MG का लोगो है वो बीच में बहुत अच्छे से अपनी जगह बनाए हुए है, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर और ऊपर बीच में बोनर से ठीक नीचे ये बहुत ही अच्छा दिखता है। हो सकता है कुछ लोग इसे पसंद ना करें पर हाँ इसका डिज़ाइन काफ़ी बैलेंस नज़र आता है। इसका हेडलैम्प काफ़ी स्लीक, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा LED दिया गया है, और ये इंटरनेट कार है तो ये बाहर आपको इसके आपको मिल जाएगा कि इंटरनेट इनसाइड ये लिखा हुआ आपको दिख जाता है। इसका ORPM जो है बॉडी कलर्ड है और इस पर भी टर्न इंडिकेटर भी इंटीग्रेट किए गए हैं और ये इसके हेडलैम्प से काफ़ी मैच खाते हैं। इसमें आपको 17 इंच के व्हील मिलते हैं और इसके इस पे जो साइड क्लैडिंग दी गई है इस पे लिखा हुआ है मॉरिस गैराज, यानी कि MG जिसका शॉर्ट फॉर्म है। रियर का डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि बैलेंस बनाने के लिए किस तरीके से इसमें इन लाइटों का इस्तेमाल किया गया है, जो LED टेल लैंप हैं ये एकदम अलग अंदाज में दिखते हैं, और यहाँ से नीचे से ऊपर तक का इसका डिज़ाइन काफ़ी बैलेंस्ड है। और इसका बूट एक्सेस करने के लिए बहुत ही ईजी है, बस एक बार आपको टच करना है, यहाँ पर टच करके छोड़ दीजिए, आप देखिए ये बूट अपने आप खुल जाता है और ये 518 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। और अगर इसे बंद करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसे टच कर दीजिए, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। जहाँ ये कार कंपनियाँ सब कुछ डिज़ाइन कर चुकी होती हैं वहाँ के आगे हम सोचना शुरू करते हैं और हमारी जो सोच होती है वो पहुँचती है कीमत तक। गाड़ी आप कितनी भी बढ़िया बना दो, कितनी भी शानदार बना दो, लेकिन चाहिए होगी सस्ते में। तो क्या MG इस जगह पे लोगों का दिल जीत पाएगी ये देखना होगा। मुझे लगता है कि अगर 10 से नीचे होती है तो ये सबके लिए भिन्न सिचुएशन होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर नंबर करना है, क्योंकि प्रीमियम दिख रहा है जिस तरीके से उन्होंने फीचर्स दिए हैं, इम्पॉसिबल है 10 के नीचे लाना इसे। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा जादू करती है कंपनी, इसकी शुरुआती कीमत यहाँ से आती है, तो मुझे लगता है एक जबरदस्त प्रोडक्ट भारत में आ गया है और
बट आपको अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, खास करके जो वॉइस रिकॉग्निशन है हेलो एमजी करके जो ऑपरेट होता है वो बहुत मज़ेदार है। वन टच से बूट ओपन हो जाता है, इसका बूट स्पेस काफ़ी है जो आपको पूरे वीकेंड का सामान ले जाने की परमिशन देता है। और आप पाँच परिवार के साथ, अगर आपका परिवार छोटा है तो पाँच लोगों के साथ आप खुशी खुशी से ड्राइव कर सकते हो। और ये एक अलग प्रोडक्ट है जो आपके व्यक्तित्व को अलग ही रखता है। जब आप कहीं से निकलेंगे तो लोग आपको देख रहे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एमजी के बारे में उनको कुछ जानकारी और मिल जाए।